मैंने जब वो आईडी अपनी आईडी के साथ ऐड करी ना, तो हुआ क्या, मेरी आईडी तो क्लोज हो गई और उनकी आईडी जो थी वो एक्टिव हो गई, और फटाफट से ना उस आईडी का पासवर्ड और फोन नंबर उन्होंने चेंज कर दिया, तो मेरा अकाउंट हैक हो गया। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होपा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे। सो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं सो के उठ के नीचे आ गई हूँ और टाइम हो गया है 7 बजने वाले हैं, अगर पर मैं उठी 6 बजे सोई हूँ। गुड मॉर्निंग जप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जप्पू भी सो के उठ के नीचे आ गया है, जप्पू का पेपर है तो इसलिए जप्पू पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहा है अपना, है ना जप्पू? जप्पू गुड बॉय है, पूरा सिलेबस। सभी कहते हैं कि सुबह सुबह रिवाइज करके जाओ ना, तो सुबह रिवाइज किया हुआ बंदा कभी नहीं भूलता, है ना? हाँ, पहले मेरे को ये बताओ, ACHIVED होती है ना चीट की स्पेलिंग? हाँ। तो गाइस, अभी हम लोगों का पानी आ गया है सुबह सुबह, क्योंकि कल रात को पानी नहीं था टंकी में, तो कल मैं किचन भी साफ नहीं करके सोई थी, तो बर्तन सारे धो दिए हैं मैंने, किचन साफ होगी दोबारा से। और ये देखो डिवाइस में ये रहा, डिवाइस में यहाँ पे पानी का साइन भी आ गया है, टंकी फुल हो गई है, पानी सारा भर गया है। तो अभी 7 बजे हैं, तो मैं नीचे फटाफट से सफाई कर देती हूँ, जो बेड मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, अब मैं फटाफट से करने वाली हूँ सफाई, सफाई करके फिर मैं खुद भी रेडी हो जाऊँगी। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो गया हूँ स्कूल जाने के लिए, पूरा सिलेबस मम्मी को सुना दिया है अच्छे से, इंग्लिश का पेपर है, थोड़ा डर भी लग रहा है, वैसे पेपर है क्या डर, क्या वो डर तो नहीं लग रहा, फिर भी कोई बात नहीं, कर आएंगे पेपर जैसा भी आएगा, बस मेरे को ना थोड़ा बहुत इनफॉर्मल लेटर अच्छे से नहीं आता, बाकी सारा आता है मेरे को। मैं आपके पापा आ गए हैं। हेलो गाइस, फॉलो कर लो। फॉलो कर लो गाइस। तो पर्स लेके जाना है? नहीं लेके जाना है, फिर उस दिन की तरह घुमाओगे पर साहब। रोज घूमता नहीं है लेकिन घूम जाएगा। चले फिर। चलो। चलते हैं, आज मेरा पेपर है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश का, अंग्रेजी का पेपर, अंग्रेजी बीट पे। यो डांस करो आप इस पे। मैं क्यों करूं? क्या ढूंढ रहा, खाना का कुछ भी नहीं अंदर, फॉइल पेपर भी जीता। नहीं, पेपर दिए मम्मी को जिससे मेरी नोटबुक खत्म हो गई। अच्छा। सो गाइज, निकल गए हैं हम लोग घर से और 7:50 पे निकल गए हैं। मेरे जिम जाने का एक फायदा तो है, जब को हम अब जल्दी स्कूल छोड़ने चले जाते हैं ना, नहीं तो हम पूरे 8 बजे निकल देते हैं ना टुको। और मुझे पेपर अच्छा सा करके आई हो, ढंग से सुन रहे हैं, आराम से ढंग से पढ़ के। बाय बाय जप्पू। बाय जप्पू। बाय बाय। तो अभी जप्पू को छोड़ के आया था स्कूल से, और एक और कांड हो गया गाड़ी के साथ, पता नहीं रोज नुकसान पर नुकसान ही हो जा रहा है। गाड़ी मेरी साइड में खड़ी है और गाड़ी को कोई ठोक गया बहुत अच्छी तरीके से, तो कंपनी में बात हुई, कंपनी वाले कहते हैं गाड़ी जमा हुई कि 3-4 हफ्ते तक मिलेगी, अगर मैं जमा करा दूंगा तो अब सिर पर फंक्शन आ गया। तो अभी आपको चल के दिखाता हूँ गाड़ी की हालत क्या हो गई है, और साइड में खड़ी है बिल्कुल, पता नहीं कितने टाइम से खड़ी कर रखी है, पता नहीं कैसे गाड़ी को ठोक गया है। ये मेरे देखो गली के बाहर ही मेरी गाड़ी खड़ी है, साइड में बिल्कुल देख रहे हो रोड आने जाने कैसी है, खुली रोड है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये देखो गाड़ी कोई ठोक गया है, पता ही नहीं चला कैसे कोई गाड़ी ठोक गई, लाइट भी बाहर निकली पड़ी है, बम्पर भी सारा टूट गया है सारा। ये देखो ये गाड़ी साइड में खड़ी थी और ये पूरा गैप है यहाँ पे, और फिर भी पता नहीं कौन ऐसे गाड़ी ठोक गई, सामने दिख रहा होगा आपको। हेलो गाइस, तो अभी नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी, तो अब जा रहा हूँ नीचे, क्रेन आने वाली है, क्रेन बुक करा दी थी, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा, ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। अलिन जिम से आई कहती ब्रेकफास्ट, मैं क्या कुछ नहीं खाना, मैंने कह रही लंच, मैं क्या मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मैं पहले गाड़ी को जमा करूँ, मेरे को गाड़ी की इतनी वो नहीं है, पता है एक तो फंक्शन सिर पे है, 10 दिन बाद फंक्शन, 10 दिन भी नहीं बस, और 8 दिन बाद फंक्शन आ गया सिर पे, और गाड़ी का ऐसे कांड हो गया। ये तो शुक्र है छोटी गाड़ी है, पर छोटी गाड़ी में वो काम नहीं हो पाया जो बड़ी गाड़ी पे था, क्योंकि सब ने इकट्ठे होके आना है, तो यही था कि चलो सामान कुछ आ जाएगा बड़ी गाड़ी में और सारे मेंबर्स सारे इकट्ठे होकर चले भी जाएंगे, और सुबह सुबह ऐसा कांड हो गया, किसी की इतनी गंदी वाली नजर लगी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। चलो अब जा रहे हैं नीचे, बाकी करीन मैं आपको दिखाता हूं फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने भी नहा लिया है और मैं जा रही हूँ नीचे। टुकू ने आपको पहले दिखाई दिया है कि हमारी गाड़ी कोई एक्सीडेंट कर गया, खड़ी खड़ी गाड़ी कोई एक्सीडेंट कर गया,
पता नहीं समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। मतलब बैक टू बैक नुकसान नुकसान नुकसान, पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रही क्या हो गया। तो अभी जा रही हूँ नीचे क्योंकि गाड़ी जानी है कंपनी में, तो उसके अंदर कुछ सामान है तो वो निकालना है सारा, तो वो लेने जा रही हूँ नीचे। बाकी चलो देखते हैं, जो कर्मा च नुकसान लिखा होंगे ना वो मिलता ही मिलता है, क्योंकि किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इतना मुझे पता है ज़रूर। तो ये सामने आ गया क्रेन, अब लगाने लगो मैं यहाँ पे क्रेन पे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अड़ रही है नीचे टायर के साथ, इसलिए चला के नहीं रखे क्योंकि टायर खराब हो जाएंगे। तब ये लगाने लगाऊँ मैं, तब यहाँ पे लगा रहे हैं ये। कर दो न्यूट्रल, कर दो। तो अभी गाड़ी से सामान निकाल के मैं ले आई हूँ ऊपर। डुगू साथ में गए हैं क्योंकि वहाँ पे गाड़ी क्रेन से उतरवानी भी पड़ेगी, तो वो गए हैं साथ में। पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही हो क्या रहा है एक्चुअल में, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बैक टू बैक नुकसान पे नुकसान। चलो जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, है ना, हमारे कहने या किसी के ना कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और बात भी है कि ना इंसान गाड़ी चला रहा हो ना तो तब लग जाए तो चलो समझ में भी आती है, खड़ी खड़ी गाड़ी में इतना गंदा एक्सीडेंट कोई करके गया है कि मतलब देख के एकदम से हैरान हो गए हम लोग कि इतनी गाड़ी मार दी किसी ने। अब कल कोई कह रहा है कि किसी ने कल मारी है, किसी कोई बोल रहा है कि परसों रात को मारी है, हम लोगों ने कल ध्यान नहीं दिया बिकॉज जप्पू की छुट्टी थी, तो जप्पू स्कूल नहीं जा रहा था, सैटरडे संडे ऑफ था, तो पता नहीं कब लगी है कब नहीं लगी। बाकी चलो जो नुकसान होना था वो हो गया है, है ना, रोड पे गाड़ी खड़ी है तो हमें हमेशा प्रिपेयर होके रहना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है गाड़ी पे, है ना। तो चलो पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, पर ये तो बिना सोचे समझे का ही नुकसान है। चलो हो गया था जो होना था वो हो गया है, अब बेफालतू की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, गई है गाड़ी कंपनी सही होके आ जाएगी। ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फंक्शन सिर पे है तो गाड़ी की नीड तो होती है ना, तो चलो कोई ना, अभी दूसरी गाड़ी हम लोग की है पर ठीक है, बड़ी गाड़ी का थोड़ा सा फ़ायदा था। चलो कोई नहीं, होना था जो हो गया कुछ, अब देखेंगे ना, है ना, होके आ जाएगी सही गाड़ी में, बिकॉज 20 से 22 दिन से पहले तो कभी भी गाड़ी आती नहीं है, तो एक ही हफ्ता बचा, तो एक हफ्ते में तो पॉसिबल है नहीं गाड़ी आनी। चलो ठीक है, तो अभी वर्कशॉप में ले आया गाड़ी, अभी यहाँ से क्रेन से उतारने लगी है, फिर देखते हैं अंदर जाके क्या बात होती है। अभी आ गए वर्कशॉप में गाड़ी अंदर, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बनती है, क्या कहते हैं, कब मिलती है गाड़ी। तो गाड़ी देखे अभी आ गया था मैं अपने ऑफिस, अब भेजा है लड़के को रोटी के लिए, अब जो हो गया वो तो होने था, सुबह मैं लंच लेके नहीं आया, ब्रेकफास्ट मैं करके नहीं आया, सुबह मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था। गाड़ी तो मुझे पता ठीक हो जाएगी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चक्कर ये कि फंक्शन सिर पर, अब बिना गाड़ी के वो फिर मज़ा नहीं आता ना। नई गाड़ी इसलिए ले रखी थी कि आने जाने, छोटी गाड़ी जो है उसमें फिर बंदे भी हमारे जो मेंबर जो आने बाहर से वो पूरे नहीं आते, फिर सामान भी था मेरा काफ़ी, तो देखो उसको मैंने रिक्वेस्ट करी थी भैया को, मैं भैया रिक्वेस्ट है मेरे घर पे फंक्शन है, उनको डेट भी दिखा दी, कार्ड भी दिखा दिया मैंने अपना, ये मेरे 11 तारीख को जैसे मर्जी गाड़ी करा था, 12 तारीख को हमारा फंक्शन है, बेटे का मेरे बर्थडे है, वो कह तो रहे हैं भैया कोशिश है पूरी, ये तो फिर देखते हैं। चलो जो हो गया नुकसान होता है, किसी की बड़ी गंदी वाली नज़र लगी ये मुझे पता है, तो चलो अब क्या कर सकते हैं, नुकसान जो लिखा लिखा है, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो जा रहा है, एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 नुकसान हो गए मेरे, अब भगवान करे बाकी आगे सब कुछ ठीक हो जाए और नुकसान ना होए, बहुत ज्यादा हो जा रहा है नुकसान। सो गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, डुगू तो कुछ खा के गए नहीं है, पर मैं तो जिम करके आई थी, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, रेडी हो गई हूँ, नहा तो मैंने डुगू के जाने से पहले ही लिया था, तो अभी जप्पू को लाने का टाइम हो गया, जा रही हूँ जप्पू को स्कूल से लेने। हेलो जपनूर व्लॉग, हेलो जपनूर व्लॉग, जप्पू को घर पे ले आई हूँ, फायदा तो बहुत
गेम भी खेल सकते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया, जप्पू खेल रहा है टच वाले लैपटॉप में गेम। और जब एक्चुअली जब हम लोग जप्पू को मैं स्कूल से लेने गई ना, तो मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना डुगू जप्पू से बात कर रहे थे और जप्पू को बता रहे थे कि जप्पू ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। जप्पू कह रहा हाँ मम्मा। जप्पू का रिएक्शन जप्पू के मुंह से देखते हैं। जप्पू क्या हुआ था तेरे को सुन के? नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। देखा, जप्पू भी शोक हो गया कि नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं ना जप्पू। कोई बात नहीं, डुगू कह रहे टेंशन मत लो, गाड़ी दे दी है, मिल जाएगी, जल्दी सही हो जाएगी, क्लेम में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े से पैसे लगेंगे, जो फाइल चार्जेस वगैरह लगते हैं वो तो लगने ही लगने हैं, है ना। तो कह रहे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो किस्मत में लिखा होता है ना वो मिलता ही है। किसी की नजर लगने से कोई नजर नहीं लगने वाली, पर मुझे लगता है लगती है। उतारूंगे, गुरुद्वारे जाएंगे हम लोग। तो अभी बनाने जा रही हूँ लंच, रोटी बना रही हूँ, सब्जी बनी हुई है, तो उसके बाद ट्यूशन पढ़ानी है। तो चलो ठीक है, मिलूंगी अभी आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज, जस्ट मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री हुई हूँ, और लिटरली बताऊँ तो आज मैंने ट्यूशन पढ़ाई नहीं है, बहुत ही मतलब ढंग से क्या मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या ना, जब ट्यूशन के बच्चे आए ना, तो मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम पे कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रमोशन के लिए। तो पहले मैंने डुगू से पूछा, तो डुगू कहते हैं पूछ लो किस चीज़ की प्रमोशन है, बिकॉज वो कह रहे थे आपने उसकी प्रोडक्ट्स की जो फोटोज़ है ना वो 3 दिन अपनी स्टोरी में डालनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है पूछ लेती हूँ डुगू से। तो डुगू ने बोला कि कोई बात नहीं, कर दो तुम मैसेज। तो मैंने डुगू से मैसेज पूछ के मैंने मैसेज कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, वो मेरे को डिटेल्स दे रहे थे, मैं वो डिटेल्स फिल करी जा रही थी, और एकदम से पता नहीं मैंने अपना दिमाग ही नहीं चलाया, उन्होंने अपनी एक आईडी दी मुझे हिमालय की कि ये आईडी आप ऐड कर दो अपनी आईडी के साथ। मैंने जब वो आईडी अपनी आईडी के साथ ऐड करी ना, तो हुआ क्या, मेरी आईडी तो क्लोज हो गई और उनकी आईडी जो थी वो एक्टिव हो गई, और फटाफट से ना उस आईडी का पासवर्ड और फोन नंबर उन्होंने चेंज कर दिया, तो मेरा अकाउंट हैक हो गया। एकदम से मेरे हाथ पैर पड़ गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर डुगू ये भी शुक्रा लाइन पे ही थे, मैं साथ के साथ डुगू को सब कुछ बता रही थी, बिकॉज मुझे इस सब चीज में कोई नॉलेज नहीं है। और सीरियसली बताऊं तो आज के बाद ना मुझे इतना डर लग रहा है ना, क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब मेरे हाथ पैर एकदम से अभी भी कांप रहे हैं कि क्या ही हो जाता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो एकदम से फटाफट से डुगू ने साथ साथ कंप्लेंट भी करी, और फटाफट से आईडी पासवर्ड चेंज कराया। एक बार किया हुआ नहीं, दूसरी बार किया नहीं हुआ, तीसरी बार में अप्रूव हुआ, तो मेरा अकाउंट रिकवर हो गया जो हैक हुआ हुआ था। मतलब मेरी सांस में सांस आई, अभी भी मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं मेरी कोई वीडियोज या बाकी, चलो मेरा अकाउंट तो वैसे भी पब्लिक ही है, पर फिर भी एक डर तो लगता ही ना कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया, वो किसी को मैसेजेस कर सकता, कुछ भी कर सकता, जो भी कुछ भी हो सकता था। तो मैं बच गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ना हो, तो प्लीज़ अलर्ट रहना जो जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। सो गाइज, अभी मैं और जप्पू जा रहे हैं नीचे, बिकॉज आज मेरे लहंगे के साथ की जो चोली है ना वो मिलनी थी, वो ले लेती हूँ, और थोड़ा बहुत और छोटा मोटा काम है लहंगे में करवाने वाला, वो भी करवाती हूँ जाके। मैंने अपना लहंगा सेट करवा लिया है, फाइनली मेरा लहंगा पूरा रेडी है, चुन्नी चोली लहंगा सब कुछ सब रेडी है। तो अभी मैं खड़ी हूँ जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है ना, वहीं पे खड़ी हूँ। डुगू आ गए हैं, और डुगू गए हैं गाड़ी लेने, बिकॉज डुगू कहते हैं कि छोटी वाली गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ, तो जो हमारी जगह है वो सेफ हो जाएगी, ताकि जब हमारी बड़ी गाड़ी वापस आएगी तो हम यहाँ पे लगा पाएंगे। तो अभी गए हैं डुगू गाड़ी लेने। तो अभी आए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, और कुछ आया जप्पू, कचौड़ी खानी है? अब ये खाएगा कचौड़ी भी, हल्दी सिर्फ खाएगी, ब्रेड पकौड़े नहीं, ये गोलगप्पे सिर्फ खाएंगे। हाँ जी, जपनूर व्लॉग्स, अच्छी है कचौड़ी? भैया ने बाउल भी बड़े कर दिया ना डुगू, हार्ड क्या हार्ड तो है, खस्ता कचौड़ी बोलते हैं इसको, आई समझ। एक तो वैसे दांत भी है, बुड्ढा हो गया ना, कह रहा है एक तो वैसे ही दांत नहीं है, देख रहे हो बुड्ढा हो गया ना, ये बुड्ढा हो गया सही में। तो यहाँ पे जप्पू खा रहा है गुलाब जामुन, मैं खा रहा हूँ यहाँ पे गुलाब जामुन, और यहाँ पे हलीन अपनी मम्मी को बता रहे, चलिए यहाँ पे जप्पू अपनी मम्मी को पापा को बता रहे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ आज। सो गाइज, अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मैं किचन में भी आ गई हूँ, क्योंकि ना मेरे को डुगू को खानी थी दूध वाली सेवियाँ, बहुत मन हो रहा था मेरा, तो बहुत ही मन हो रहा 2-3 दिन से खाने का, तो मैं अवॉइड सी कर रही थी, पर मैंने आज बना ली हैं सेवियाँ।
बन रही है यहाँ पे और डुगू अंदर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं भारती का व्लॉग। और जप्पू सो गया है तो गाड़ी हमने अपनी जगह पे लगा दी है दूसरी वाली, और जो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हुई थी वो चली गई है कंपनी में सही होने। होप सो जल्दी जल्दी सही होके आ जाएगी। और प्लीज यार आप सब लोग प्रे करो कि यार इतने सारे नुकसान हमारे ना हो, जल्दी जल्दी से सब सही हो जाए। अगर किसी की कोई नजर लगी भी गई है तो प्लीज बाबा जी वो नजर उतार देना, बिकॉज हम किसी के लिए ना बुरा सोचते हैं ना ही हम किसी का बुरा करने का सोचते हैं, तो प्लीज बाबा जी हमारे साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तो जप्पू का कल कोई पेपर नहीं है, आज जप्पू का पेपर था, अब जप्पू का पेपर है, आज क्या था मंडे, अब है जप्पू का पेपर वेंसडे, नेवर फ्राइडे, अब है जप्पू का पेपर फ्राइडे, ठीक है। तो तैयारी उसको करवानी है, बाकी वो कल कर लेगा, उसको SST का पेपर है, उसको तैयारी है ऑलमोस्ट, सुबह भेजेंगे उसको स्कूल। और घर का हाल देखो मेरा क्या हो गया, सच्ची बताऊँ, ये देखो ये दोनों घर आ जाते हैं इतना गंद में जाते हैं, कपड़े उतार के देखो दोनों ने यहीं पे फेंक दिए हैं, कोई मतलब इनको लेना नहीं है कि कपड़े गंदे रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है साइड पे रख दें, पर चलो कोई ना सुबह उठाएंगे करेंगे सफाई। लहंगा पहन के मैंने देख लिया है, बहुत ऑसम आया है, पर वो मैं दिखाने वाली नहीं हूँ आप लोगों को, एक ही बार देख लेना आप सब जप्पू के बर्थडे पे जब मैं रेडी होके आऊंगी ना, और सुंदर से रेडी होके आऊंगी इस बार प्रॉपरली, व्हाइट फेस बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, अच्छे वाले मेकओवर से करवाने वाली हूँ मैं। तो चलो ठीक है, तब की तब मिलेंगे, अभी के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल दूसरी वीडियो में, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।